मेरे पीछे या मेरे आगे, मेरे अगल में, मेरे बगल में, हर जगह वो मुझे दिखाई देता है, मुझे घेरे रहता है अपने पूरे पवित्र आत्मा से, उसकी आग से मुझको घेर के सुरक्षित कवच में मुझको बंद करके मुझको ऐसा हिफाजत रखा है कि मैं आज तक जिंदा हूँ, तुम आज तक जिंदे हो, तुम खा रहे हो, तुम्हारे घर में है, सब बरकत है, सब कुछ दिया है प्रभु ने, उसको धन्यवाद दो ना, गिव हिम थैंक्स, खाली धन्यवाद दो ना, इतना ही तो काम मुझको और हमको करना है। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को नमस्कार, जय मसीह की, यीशु सहाय। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि एक और अवसर दिया कि हम उसके मनन में आगे जाएं। जैसे कि मैंने बताया था कि यह महीना ही पूरा धन्यवादी पर्व को मनाते जाते हैं हर जगह पर। हमारे भी चर्चेस में अलग अलग डेट्स पे धन्यवादी पर्व मनाते जाते थे। अब लॉकडाउन के कारण परिस्थितियां कुछ बदल गई, मेरे को पूरा मालूम नहीं कि क्या पूरा शेड्यूल है, क्या स्केड्यूल है, लेकिन एक चीज़ है कि छुटपन से ही हम बच्चों को सिखाते हैं, कुछ भी दिए बोले थैंक यू बोल बेटा, थैंक यू बोल, ऐसे दिखाते हैं ना, पर धन्यवाद बोल तो नहीं बोलते, हिंदी में ज़्यादातर थैंक यू ही चलता, थैंक यू बोल, थैंक यू बोल। तो ऐसे ही एक बच्चे को सिखाए थे और वहाँ पर गए तो चर्च में अंकल ने एक तो संतरा दिया तो वो बच्ची को उसकी माँ बोली बेटा बोलो थैंक यू बोलो, थैंक यू बोल। तो बोलती पहले इसको छील के दो फिर मैं थैंक यू बोलूँगी, पील इट एंड गिव इट टू मी, ये है मतलब पूरा चाहिए मेरे को तब मैं धन्यवाद दूंगा, वैसे धन्यवाद नहीं देता हूँ। लेकिन एक है कि थैंक्स गिविंग मीन्स गिविंग समथिंग, धन्यवाद देना मतलब कुछ देना, अपने से कुछ देना, हमको कुछ देना है, ये है देना, उसका मतलब है। जैसे देखिए ये जैसे अपन चाहते कि खुदा से हमको सब कुछ मिला है, मेरे पास क्या है जो मैंने कमाया है, ये पहले देखो मैं क्या प्राप्त किया हूँ, मेरे पास क्या है जो अपना मैं कह सकता हूँ, जो कुछ है वो सब परमेश्वर का है, प्रभु यीशु मसीह का है, उसके सिवा कुछ दूसरा है ही नहीं, सब कुछ मेरे, एक एक सांस, एक एक पल मेरा, जो कुछ भी समय है, सांस है, धन है, दौलत है, इज्जत है, ज्ञान है, बुद्धि है, अब ये सब कुछ जो है उसी का दिया हुआ है। दूसरा कुरंती 4:7 में क्या कहता है मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, दूसरा कुरंती 4:7 में, तेरे पास क्या है जो तूने दूसरों से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरों से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। हम भूल जाते हैं कि पाया है, मैंने ऐसा किया, मैंने कमाया, मेरी कमाई है, मैंने घर बनाया, मैंने गाड़ी खरीदी, सब कुछ मैंने किया, सब कुछ मतलब यह है कि मैं अपने आप में इतना भर जाता हूं घमंड से कि परमेश्वर को भूल जाता हूं। बड़ी बड़ी बात नहीं, छोटी छोटी बात में बताता हूँ इसको, सब तल के देखिए, छोटी छोटी बात में हम कहते हैं ना थैंक यू जीसस, थैंक यू जी बोलते जरूर है, लेकिन क्या यहाँ दिल से होता है, क्या सच में धन्यवाद देते हैं क्या? क्योंकि देखिए जब हम देते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है मैं देता हूँ तो चर्च में मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम लिखना चाहिए। मैं हम लोग एक चैपल बनाए थे हॉस्पिटल में, उसमें डोनेशन के रूप में कई लोगों ने बेंचेस बनाने थे तो कई लोगों ने पैसे दिए, तो मैंने उनको बोला कि देखिए भाई मैं तो नाम लिखने के फेवर में नहीं हूँ कि दिस बेंच इज अलॉटेड या डोनेटेड बाय फलाना फलाना, ये सब लिखना मेरे को अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उससे आपकी आशीष खत्म हो जाती है, मैं दिया हूँ मेरा नाम लिखा तो मेरी आशीष खत्म हो जाती, तो किसी ने नहीं बोला कि नाम लिखो, और बेंचेस सब बने हुए हैं, मुझको भी नहीं मालूम कौन कौन से दिए क्या दिए ख्याल नहीं, लेकिन परमेश्वर सारी चीज़ों को जानता है। जैसे देखिए मतलब देखिए नेम इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट यूर डीड इज इम्पॉर्टेंट, तुम्हारे कर्तव्य तुम्हारे कार्य जो है ये ज़्यादा मशहूर होने चाहिए, क्योंकि जैसे पहला राजा 17:8 में सारपत की विधवा का है, वहाँ नाम तो नहीं दिया है, वैसे ही दूसरे राजा 4:8 में कुलीन स्त्री बताया है, नाम तो नहीं दिया है, दो दमड़ी डालने वाली एक कंगाल विधवा जो है Markus 12:41 में, Luka 21 में शुरू से इसको जो दिया है उसका भी नाम नहीं दिया, लेकिन बोले कि सबसे बड़ा दान जो है उसने दिया है, क्योंकि सब तो अपनी कमाई में से दिए हैं, ये अपनी घटी में से दिए है, इसके बाद जो कुछ है इसकी गिवन एवरीथिंग, सारी चीज़ें वो दे दी है, तो आशीष के कारण है। हम तो बहुत है, जैसे अपन डाले तो मैं ये चाहूंगा कि मैं दान दूं, मैं पता लगे, ये मेरे अंदर से आएगा, मैं आपके लिए बोल रहा हूं मेरे अंदर के आएगा, इसको दबाना मेरा काम है, क्योंकि मैं सोचूं हम सोचे कि ये किसका है, दशमांश दो बोलता है,
ठीक है दशमांश दो दशमांश दो दशमांश दो, हम बोलते हैं देते हैं सब कुछ करते हैं, कहले बोलते हैं कहाँ से देंगे, हमारे तो इतने खर्चे हैं, सारे बिल्स पेमेंट करने के बाद खुद ही नहीं बचता तो कहाँ से देंगे। तो एक प्रचारक ने उनको उत्तर दिया, पहले दशमांश दो फिर बिल्स पेमेंट अपने आप हो जाएगा। मैं एक बात बताऊँ आपको, महीने के आखिरी में सब कुछ होता है, देखना बल्ब फ्यूज हो रहा, कहीं गैस खत्म हो रहा, कहीं ये हो गया, कहीं टीवी खराब हुआ, कहीं फ्रिज का, सब होता है। जैसे ही ऐसा होता है ना, मेरी वाइफ धीरे से आके मेरे से पूछी थी, क्या मालूम इस महीने में जो देना दे दिए ना अपन, बोलते तारती दे दिए तो ठीक है, और नहीं तो ये उसी का कर्ज है, यदि तुम नहीं दोगे तो मार पड़ेगी, आज नहीं तो कल होगा, देख लेना। क्योंकि भाई मेरा कुछ नहीं, वो तो उसका उसका उसको देने में मेरे को क्यों अखरता समझ में नहीं आता। देखिए क्या बोलता है, पहले उपज ही ला कर दो करके। मैं आपको आज के लिए इसके अपना बाइबल पाठ जो है मैं आपको निकाल के बताना चाहूँगा, वो है दूसरा राजा और उसका चौथा अध्याय और उसके 42, 43 और 44 तीन वचन जो हैं पढ़ेंगे हम, और इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा मैं जल्दी जल्दी करना चाहूँगा। कि बोलता है कोई मनुष्य, यहाँ भी नाम नहीं दिया है, कोई मनुष्य इतना एफोर्ट किया है और इसका कोई नाम नहीं दिया है। और क्या है कि एलिशा के टाइम का ये आश्चर्य कर्म है, और ये देखिए मैं आपको बताते जाऊंगा जल्दी, कोई मनुष्य बाल सलीशा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बाले परमेश्वर के भक्त के पास लेके आया। एलिशा के पास यहाँ पर एक कुछ कॉन्फ्रेंस चलता, बाइबल कॉलेज है, स्कूल है और गैदरिंग है विश्वासी लोग का, वहाँ पर है और अकाल का टाइम है, अकाल पड़ा हुआ है, और ये जो है बाल से एलिशा से नाम नहीं दिया, कोई मनुष्य धन्य है उसका नाम नहीं दिया। मैं तो बोलता हूँ इज फॉर्चुनेट दैट हिज नेम इज नॉट मेंशनड हियर, और यदि मेंशन करता तो शायद वो आशीष नहीं मिलता और यहाँ पर ये पोर्शन लिखा भी नहीं जाता। ये क्या बोलता है, कोई मनुष्य बाल शलीशा, बाल शलीशा का मतलब ये एक गांव है, और ये जो है बाल जो है देवता के नाम से है, और शलीशा का मतलब मैं बोला वन थर्ड ऑफ बाल सम कुछ ऐसा कुछ पॉपुलेशन होगा वहाँ, जो भी है मेरे को डिटेल में हिस्ट्री नहीं मालूम, लेकिन ये बाल शलीशा से पहले उपजे हुए अकाल के टाइम में पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां बनवाई और अपनी बोरी में हरी बाले भरा है। हरी बाले मतलब ये बाले भी खाते हैं, जैसे कि शायद कुछ दाना वाना इसका होता है, जैसे मत्ती 12 और उसका एक में आप पढ़ के देखे यीशु मसीह के साथ जो जा रहे थे चेले, बाले बिन बिन के खा रहे थे करके वहां पर लिखा हुआ, ये भी खाने की चीजें बोरी में भर के भक्त के पास लाया। तो एलिशा कहा उन लोगों को खाने के लिए दे। अब देखिए यहां पर लेके आया, अकाल पड़ी, 20 मील चल के आया है, याद रखना ऐसा नहीं कि 20 मील चल के आया, 20 तो रोटी लेके आया और हरी बालियां लेके आया, और यहां पर ये दान देना चाहता है, मेरे ख्याल से पहली उपज देना चाहता है, फर्स्ट एफर्ट वो उसका वो है कि आई शुड गिव माय फर्स्ट फसल मैं अपना वहां पर उसको दू, कहता है। क्योंकि कहता है कि पहला कोरिन्थी उसका 15 और 20 में लिखा है, परंतु सचमुच मसीह जिर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं आए वह पहला फल हुआ है, वो पहला फल है। और एक्सोडस में निर्गमन उसका 23 और 19 में कहता है, अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना, आज्ञा दिया है, आदेश दिया है। प्रोवर्ब्स नीति वचन 3 और 9 में क्या कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, कोई स्केयरसिटी नहीं होगी। कब, जब तू अपनी पहली चीज जो है उसको दे देगा, अपने आय आया। मैं बताऊं टाइट गिविंग इज वेरी इजी, थोड़ा सा मन बना लो, तनख्वाह मिली फटाक से निकाल कर रख दे, ये मेरा नहीं है, 100 में 10 निकाल दिए, 90 में अब खर्च करो, अब जो कुछ बजट बनाना है तू तनख्वाह 90 मान लेना यार, सब तो ईजी हो जाता है। लेकिन सबसे कठिन टाइट क्या है मालूम, समय देना, सोच देना, विचार देना, उसके लिए काम करना, टाइट तेरे आयु का, टाइट तेरे जितने विचारों का, टाइट तेरे सारे बातों का, टाइट उसको दे, ये हार्ड है। पैसा निकाल देना तो एक बार प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाता है, लेकिन क्या बोलता है, मतलब ये हुआ कि यहां पर ये बोलता है ये दे दो, और यहां पर आगे पढ़ के अपन देखेंगे 100 लोगों की करीब भीड़ है, 100 लोगों के लिए एलिशा बोलता है 20 रोटी और ये एक बोरा बाले जो है हरी बाले ये लोगों को परोस दे। अब देने वाला कौन है,
43 वचन में बोलता है, उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रखूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाए, क्योंकि यहोवा यो कहता है, उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। मैं सीधा इसको रिलेट करता हूं यूहन्ना 6 से, जहां पर 2 और 5 का किस्सा है, 5 रोटी और 2 मछली। उसने क्या किया, कहा तुम्हारे पास है तो लाओ, अब तुम अपनी पूरी चीज दे दोगे तो वो उसको भरपूरी कर देता है। ये दिए, उसने दुआ किया और कितने लोग गए, 5,000 केवल पुरुष, मतलब करीब करीब 25,000 से भीड़ कम नहीं होगी, इतने लोग खाए, उसके बाद भी बच गया। ये नए नियम का है, ये पुराने नियम में क्या कहता है उनके, ये टहलुआ कौन है बोलो? मैं इसको खोजबीन कर रहा था कि ये टहलुआ आखिर क्या है, क्यूरियोसिटी कुछ हुई, एक जगह कुछ मैं पढ़ा इसको कि ये जो है गहेजी है, इसके साथ में था। गहेजी के बारे में हम जानते हैं क्या कैसा आदमी, क्या है, आगे क्या किया, क्या नहीं किया, वो सब मालूम है। लेकिन गहेजी जो है परेशानी में पड़ गया, वहाँ फिलिप्पुस पर परेशानी में पड़ गया था, यहाँ गहेजी परेशानी में पड़ गया, बोलता मैं क्या करूँ इतने सब, मतलब भाई तू तो बोल दिया मैं बांटने जाऊँगा, 20 तो रोटी है, 20 लोगों को दूंगा या आधा आधा करके 40 लोग को दूंगा, और बचे 60 लोग और दें जो वो चिल्लाएंगे, जो एक एक झापड़ भी मारेंगे तो मैं कहाँ का, मैं तो खत्म हो जाऊँगा। Oh, I don't want to take this risk. गुरु क्या करूं मैं? तो बोले बांट दे। ऐसे ही फंसा देता है, साथ में बोला होगा ऐसे ही फंसा देता है। कैसे देखो, अब वो अपना तो बैठा है यहाँ आराम से, मेरे को काम पे भेज दिया इधर, मैं कैसे करूंगा? लेकिन गहेजी, यू शुड हैव फेथ कि यही वो एलीशा है जिसने इसी राजाओं के पुस्तक में, दूसरे राजा के इसी में पढ़ते जाएंगे आप, तो क्या क्या बोलता है, चादर से मारा और नदी फट गई। गुरु ऊपर चले गया, उसका वो चादर था, अपने कपड़े तो फाड़ लिया और चादर को मारा और नदी फट गई, 2 भाग में हो गया। उसी बात देखिए, और इसी दूसरे राजा के 2 अध्याय के करीब 22वें वचन में कहता है, नमक डालकर खारा पानी जो था, कड़वा था, जो बेकार था, जहर था, उसमें नमक डालकर उसने उसको पवित्र कर दिया और फिर कभी इसमें ऐसा जहर नहीं होगा। जो लड़के इसको चिढ़ा रहे थे, वो जो है पूरा बॉल्ड था और उसको चिढ़ा रहे थे, तो उसने ऐसा किया कि रिचनी आई 2 और 42 लड़कों को फाड़ के खत्म कर दी। एक से एक आश्चर्य कर रहा, मोआब पर विजय देखे 3 अध्याय में 4वें वचन से लेकर देखना, हेडिंग दिया है मोआब पर विजय करके, उसमें कैसा करिश्मा इसने किया है। चेले की पत्नी जो विधवा थी, ऋण से बोझ से दब रही थी, उसके पास क्या था, तेल था, तो तेल से कैसे करिश्मा किया, बर्तन लाओ, भरते जाओ, खत्म नहीं हुआ, सब बेच दे तेल को और अपना ऋण का अदाई कर दे करके वहां पर आश्चर्य कर्म किया। फिर उसके बाद कुलीन स्त्री के बारे में आया, यहाँ पर हबक्कूक है वो लड़का जो मर गया था, उसको जिंदा किया और ये वहां पर एक आश्चर्य कर्म उसने किया, इसको भी गहेजी जानता है। जंगली फलों को कड़वापन दूर किया, 38 से आप पढ़िए उसमें 4वें अध्याय में, वो जंगलीपन जो मारा कड़वापन था उसको दूर किया, पकाए थे इंद्रियाण को और पकाने के बाद कड़वा है, बोले खाने में कैसे खाएंगे, अकाल है कैसे खाएंगे, और ये कड़वा है तो नहीं जाएगा, भूखे पेट भी अंदर नहीं जाएगा, तो उसने वो उसका कड़वापन भी दूर कर दिया, जहर भी दूर कर दिया। और बाल शलीसा से ये आदमी आया, 20 रोटी दिया, 100 लोगों को खिलाने के लिए बोला, तो गए जी अब तो तेरा विश्वास होना चाहिए। ये तो बोलने में बड़ा अच्छा लग रहा मेरे को कि गए जी तू कैसे अल्प विश्वासी, विश्वास नहीं किया, लेकिन उसी को मैं अपने ऊपर लेके देखूं, उसी को तुम अपने ऊपर लेके देखो, कई बातों में कितने अल्प विश्वासी हैं, मैं भूल जाते कैसा होगा क्या होगा, मैं खुद परेशान हो जाते हैं, बाहू कहाँ फंस गए, लेकिन नाव में है सो रहा है, ये याद रखना, मेरा यीशु मसीह मुझे छोड़ता, मेरे पीछे या मेरे आगे, मेरे अगल में, मेरे बगल में, हर जगह वो मुझे दिखाई देता है, मुझे घेरे रहता है अपने पूरे पवित्र आत्मा से, उसकी आग से मुझको घेर के, सुरक्षित कवच में मुझको बंद करके, मुझको ऐसा हिफाजत रखा है कि मैं आज तक जिंदा हूँ, तुम आज तक जिंदे हो, तुम खा रहे हो, तुम्हारे घर में है, सब बरकत है, सब कुछ दिया है प्रभु ने, उसको धन्यवाद दो ना, गिव हिम थैंक्स, खाली धन्यवाद दो ना, इतना ही तो काम मुझको और हमको करना है, बस उतने करने में क्या हो गया, उतने तुम जैसे करोगे। देखो यहाँ पर किस स्थिति में इसने दिया, अकाल के स्थिति में दिया, कैसे इसने दिया, 20 मील चल के आके दिया, क्या परेशानी थी वो से पूछो कि भाई तेरा नाम क्या है, चुप मेरा नाम कुछ नहीं है, क्या है, प्रभु यीशु मसीह का दास हूं मैं,
उसका एक विश्वासी हूं मैं, इसलिए मैं अपना आप को उसे सौंप देना चाहता हूं। उसने दिया, मैं उसको ले जाके देना चाहता हूं। बस इतना ही मेरा एम है, यही मेरा इंटेंशन है। मेरे अजीजों, मेरे पास जो कुछ भी है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, आज खुदा कहता है कि वो जो कुछ भी है किसने पाया, तुम किस को कौन दिया है, कहां से लाए हो। जब तुम नहीं कमाए तो तुम ऐसा घमंड क्यों करते हो कि तुमने पाया है। फॉरगेट एवरीथिंग, सारी चीजों को भूल जाओ और खुदा की आशीषों को नाम बनाम गिनो। गिनते जाओ, गिनते जाओ, देयर इज नो एंड। एक एक दिन में कितनी सारी आशीषें हमने प्राप्त की है, उसका कोई कमी नहीं होता है। मतलब क्या है कि गिव सीक्रेटली एंड ही विल रिवार्ड ओपनली। ये कहीं एक डायलॉग पढ़ा था मैं, कोटेशन, गिव सीक्रेटली ही विल रिवार्ड ओपनली। मतलब तुम गुप्त में दो और वो खुल्लम खुल्ला तुम्हें देगा, तुम छुप के दो वो दिखा के देगा, तू अपने कमी घटी से दो वो भरपाई कर देगा, तू थोड़ा से दे वो बहुत कर देगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं देने के बाद मैं देखते रहूं कि कब मेरे को मिलेगा। नियत समय पर नियत ढंग से शाम काम होता है। क्या बोला, मटकों को पानी से भर दो और मैं उसको बनाता हूं। अब डिपेंड किस पे करता है, टाइम कितना लगा, ये पूछते हैं कि दाखरस बनाने में। मैं बोलता हूं टाइम यीशु मसीह को नहीं लगा, टाइम ये पूछो कि दो मटकों को भरने में कितना टाइम लगा, कितना एफर्ट किए, कितने लोग रहे, कितनों का हाथ था, कितने समय में उन लोग भर दे खत्म। यीशु मसीह का तो एक आदेश से पूरा हो जाता है। ही इज वेटिंग फॉर अस टू डू समथिंग। हम कुछ करें, हम उस काम को करें आशीष ले लो, हम उसको काम को करें भरपूरी ले लो। वो जब भी करेगा वो सारी चीजें हमको दे देगा। और कैसे, मतलब गिव सीक्रेटली एंड ही विल रिवार्ड ओपनली। तो छुप के देगा ना, वो तुमको आशीष देगा। ये चीज याद रखना, आज हमारे लिए यही है कि मैं छुप के दूंगा, खुदा मुझे ओपनली देगा। कैसे देगा, मेरी बरकतें, मेरी आशीषें, मेरी खुशी, मेरी तमन्ना, मेरी इच्छा, मेरी वाणी, मेरा उपदेश, मेरा रहन, मेरा सहन, मेरा कुलीग के साथ व्यवहार करना, मेरा उठना बैठना चलना फिरना, अड़ोस पड़ोस के साथ व्यवहार, लोगों की सहायता करना, लोगों के प्रेम को प्राप्त करना, लोगों को प्रेम बांटना, ये सारी चीजें कैसी आएंगी, ओपनली वो देता है। वो देता है, मैं नहीं कर सकता, वो देता है, उससे तुम करोगे, तुम नहीं कर सकते, वो तुम्हारे लिए भरे पूरी देगा। याद रखना, मेरा प्रभु जीवित परमेश्वर है। मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। देखिए, स्पर्जन को अपन जानते हैं ना, सी एच स्पर्जन और उसकी वाइफ, ये दोनों छोटा सा पोल्ट्री रखे घर में, छोटा सा पोल्ट्री, मुर्गियां पाले, अंडे देते थे, अंडे को बेचते थे ये। उनके रिलेटिव्स भी आके बोलते थे, आई एम योर रिलेटिव, व्हाई यू आर चार्जिंग। बोले नहीं नहीं नहीं, पैसा दो अंडा ले जाओ, उसमें कोई मुरम्मत नहीं। बोलते थे कैसा आदमी है यार, बहुत चिंगट आदमी है, ये तो कंजूस टाइप का है करके लोग सोचते थे। कुछ सालों के बाद स्पर्जन की वाइफ की डेथ हो गई एंड ही बिकेम अलोन। हो गया तो दो लेडीज उसकी सहायता करते थे और फिर उन्होंने ओपनली टेस्टमनी क्या दिया, दो विडोज है। ये क्या टेस्टमनी दिए मालूम, कि स्पर्जन और उसकी वाइफ ने मुर्गी पाल के अंडे बेच के वो पैसों से हमको पाला है, वो पूरी इनकम जो थी हमको देते थे, हमारा परवरिश किया है, और आज वो बेचारा अकेला है तो हम उसके पास उसकी सहायता कर रहे हैं। स्पर्जन हैज गिवन सीक्रेटली एंड गॉड हैज गिवन ओपनली। दिए खत्म। याद रखना, कभी कभी क्या होता मालूम, बिना इच्छा के भी दोगे ना तो भी आशीष मिल जाती है। जैसे एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चे को उसके बाप ने दिया कि एक रुपए का कॉइन दिया और 10 रुपए का कॉइन दिया, तो बोले जाओ चंदा डाल के आओ करके। बोले सोचा कि क्या करता बच्चा, देखते हैं। लौटा तो उसको पूछा कि बेटा कौन सी चीज़ को तूने डाला चंदे में, तो बोले मैं तो 10 का सिक्का डालने वाला था, लेकिन वहां पर बोला कि तू मन से दोगे तो परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। बोले चेयरफुली यू शुड गिव। ये सुना तो बोले मेरे को बस 10 देने में तकलीफ हो रही थी, तो छोटा वाला मैं 1 रुपए वाला डाल के आ गया। बच्चा है, समझ नहीं है, लेकिन आदम का बीज अंदर है। हमारा यही है कि छोटा उसको दो। और दूसरा एक प्रचारक ने क्या बोला मालूम, तुम यदि अपनी बचत में से देते हो तो देयर इज नथिंग, नो ब्लेसिंग।
तुम यदि अपने कमाई में से अपने अंश को काट के देते हो तब वो ठीक है, मतलब लेफ्ट ओवर्स नहीं चाहिए उसको, बच गया तो दे रहे नहीं चाहिए, लड़का ठीक नहीं इसको सेमिनरी में भेज दो ऐसा नहीं चाहिए, ही वॉन्ट द बेस्ट, उसको अच्छा चाहिए, मेरे सही कमाई में से चाहिए, मेरे बचे जब कुछ नहीं सब बच गया दे, नहीं लेफ्ट ओवर्स नहीं चाहिए उसको, बचत नहीं चाहिए, ओ क्या है मेरे आमदनी में से चाहिए, मतलब जब देखिए मैं एक बात बताऊं और एक उदाहरण आपको बताता हूं, मैं जल्दी खत्म करूंगा, उसमें क्या एक लेडी थी एक लाइब्रेरी मेंटेन करती थी और वॉलंटरी करती थी, नाम तो मैं भूल रहा हूं, शेरन वेरन कुछ तो भी नाम उसका पढ़ा था मैं, जो वो क्या करती थी लाइब्रेरी में सब बुक सर्कुलेट करती थी, लिख के रखती थी कौन ले गया कितने टाइम मिलाओ ये वो, लाइब्रेरियन टाइप काम करती थी, और वो क्या की कुछ वैल्यूबल किताबें जो बहुत अच्छी उसको लगती थी उसको अलमारी में नहीं रखी, निकाल के अपने पलंग के नीचे वाले ड्रॉअर में डाल के रख दी कि वो लोग ले जाएंगे तो कहीं मिसप्लेस हो जाएगा मुश्किल है, वो मेरा ट्रेजर है और मैं उसको रखना चाहती हूं, ठीक है देती रही। कुछ सालों के बाद उसके खटिए के नीचे कुछ देखा किताबें है, देखूं करके देख निकाली, पूरे किताबों को दीमक खा गया, खत्म हो गया। उसको कैसे समझाया गया मालूम, उस पर चारक ने कहा जो तुम लालच से छुपा के रखे हो वो नष्ट हो गया और जो तुम बांट रहे थे वो बढ़ गया, जो छुपाए वो खत्म हो गया जो नहीं छुपाए वो बढ़ गया। याद रखना तुम्हारे मेरे हमारे हर एक जीवन में थैंक्स गिविंग मीन्स गिविंग, थैंक्स मतलब गिविंग, धन्यवाद मतलब देना, धन्यवाद देना दोनों के बीच में गैप करो, धन्यवाद का मतलब देना, थैंक यू जीजस मतलब देना, मैं क्या दिया मेरा जीवन दिया, मेरा दशमांश दिया, मेरा दशमांश हर चीज का दिया, समय दिया, मेरे जितने भी चीजें हैं मैं उसके लिए धन्यवाद दिया, उसने मुझे सब कुछ दिया मैं उसको धन्यवाद दिया, मैं केवल अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद देता हूँ बुरी चीजों के लिए धन्यवाद नहीं देता, ये शायद पिछले बार मैंने बताया था, वो भी याद रखना कि मुझे हर चीज के लिए देना है धन्यवाद देना है, क्योंकि हर बुराई बुरी चीज हमको अभी लगती है वो हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती है, जो कुछ भी कोई बेकार चीज खुदा नहीं देता, देता है तो वो अच्छाई के लिए देता है, आज बिगाड़ा तो कल उसको तिगुना बढ़ा के देता है, ये आशीष होती है। इसलिए बोलते हैं कि बाल शलीशा से मतलब जहां पर बाल देवता के पुजारी लोग रहते थे वहां से एक आदमी छुप के बच के, वो अकाल के समय बेचारा वो तो मेरे ख्याल से लगता खाया भी नहीं होगा और 20 मील चलता होगा कि 20 खाने से 19 हो जाएगा, ही डजंट वांट दैट ही शुड बिकम 19, तो उसने 20 का 20 ले जाके उसने वहां पर चढ़ाया दिया, और उसने क्या किया परमेश्वर ने बोला ना देने में देरी नहीं होना चाहिए करके बोला है निर्गमन 23:19 में, तो वो उसको पालन किया, अपनी संपत्ति के द्वारा भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना करके नीति वचन में सुलेमान ने बोला, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के और सचमुच में परमेश्वर के हम ये नए नियम हम मारे लिए आता है, प्रभु येशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और पहला फल हो गया समझ के मुझको भी देना है, वो व्यक्ति जो अननेम्ड है जो अननोन आदमी है उसने बाल शलीशा से जाके एलिशा को दिया और एलिशा 100 लोगों को खिलाया, खाने के बाद क्या बोलता है आखिरी में कुछ बच भी गया, ये होती आशीष, ये खुदा हमको आशीष देगा, आइए हम उसके को धन्यवाद दें और धन्यवाद देते हुए और इस गीत को सुने और फिर दुआ के बाद अपन अपनी सभा को खत्म करेंगे। खुदा आप सबको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग मी एंड हियरिंग मी, थैंक यू। धन्यवाद देता हूँ तुझको,
धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, तुझसे जो मिली उन बातों के लिए, मुश्किलों के समय में तेरे धीरज के लिए, हाँ मैं जब कमजोर तेरी कुवत के लिए, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद। क्या था घराना मेरा, तू आया बनके सहारा मेरा, जो कुछ हूँ वो है तेरी दया, तुझ बिन था जीवन अधूरा मेरा, पीछे मुड़ के जो देखा तू हाजिर था सदा, मेरे गम और खुशी में मैंने पाया तुझको सदा, खो ना जाऊं कहीं मेरे पास रहना खुदा, दिल से बस ये चाहूं रहूं साथ तेरे सदा, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद। तुझ पे मेरी, तू ही है मेरा आसरा, जीवन है तेरे हाथों में, तुझ पर ही भरोसा मेरा, पापों की गंदगी से तूने मुझको छुड़ाया, जान दे के अपनी मुझको है बचाया, छिड़ा था तुझसे मुझे अपना बनाया, थाम के मेरा हाथ मुझको है चलाया, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद।
खुदावंद धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावंद, क्योंकि हम जानते हैं, हमने सीखा, हमने समझा, और कई बार तू हमसे बातें करता है, हमें चेतावनियां देता है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज की परिस्थितियों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा हमें सबक देना चाहता है। लेकिन खुदावंद तू दया कर और तेरी दया हम पर बारिश होने दे, दया की बारिश, ताकि खुदावंद तेरे ब्लेसिंग्स को लेकर हम आगे जीवन में बढ़ सके। जितनों ने तेरे वचन को सुना सब पर तेरे दाहिने हाथ की आशीष होने दे, ताकि हर कोई अपना सब कुछ अपना ना समझते हुए तुझे समर्पित करने वाले हो सके। हम सब पर तेरी आशीष को चाहते हैं, तेरे आने की बाट जोहते हुए दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो कबूल कर, आमीन आमीन। तेरे एक परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से आशीर्वाद ग्रहण, परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे, परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे, परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे अब से लेके सर्व जानू कुशल देवे। आमीन आमीन आमीन।